हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 12th हाउस। सैटर्न की पोजीशन हम 12वें घर में डिस्कस करेंगे। ये हमारी कुंडली का 12th हाउस है और जब यहाँ पे शनि बैठे होते हैं तो वो कैसा रिजल्ट देते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो कि बहुत थॉरो कंसल्टेशन होगी, उसके लिए आप मुझे astrosolution49@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपको उसके प्रोसीजर के बारे में गाइड कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। 12th हाउस में जब सैटर्न होता है, सैटर्न व्हेन सैटर्न इज प्लेस इन द 12th हाउस, तो क्या होता है? सैटर्न इन 12th हाउस की बात करने से पहले हम बात करेंगे दो चीज़ों की। पहला है 12th हाउस और दूसरा है शनि। सबसे पहला है कि 12th हाउस क्या है। देखिए, 12th हाउस अगर आप देखें तो 12th हाउस बहुत कुछ दिखाता है। 12th हाउस हमारे मोक्ष का कारक होता है, 12th हाउस जेल यात्राओं का कारक होता है, 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल्स अगर हम देखते हैं तो 12th हाउस से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने एक्सपेंडिचर, हमारे कितना खर्चा होगा वो देखते हैं। उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी से देखते हैं। खर्चा और इन्वेस्टमेंट दोनों में बहुत अंतर है। उसके बाद अपने हॉस्पिटल के जो बिल्स होते हैं वो भी इसी हाउस से देखे जाते हैं। ये हाउस, मतलब आप मान के चलिए, थोड़ा सा अगर आप कहें तो ये एक नेगेटिव हाउस है। और जिस भी हाउस के साथ ये कनेक्ट होगा उसकी पॉजिटिविटी को जरूरी है खत्म कर देता है, ये इसके साथ रहता है। उसके बाद ये हाउस ऑफ आपका मोक्ष के साथ हाउस ऑफ डेथ भी है, हाउस ऑफ सॉरो भी है। तो ये सब चीजें हमें 12th हाउस दिखाता है। उसके बाद बात करेंगे, जैसा कि हम देखेंगे शनि इस कुंडली में, जब सॉरी पहले सैटर्न किस किस का कारक होते हैं। जो शनि शनि देवता हमारे कहते हैं, हम न्याय के कारक होते हैं। तो शनि देवता के जो कारकत्व के अंदर आते हैं, पहले आप कह सकते हैं लॉयर, रूल्स, जजेस। उसके बाद शनि देवता, अगर हम अगर प्रोफेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के कारकत्व में आते हैं। उसके बाद जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके कारकत्व वो भी शनि देवता के कारकत्व के अंदर आते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी अगर आपका शनि खराब हो, वैसे तो मैं मतलब ये जस्ट एक बात बोल रहा हूँ कि हम अगर अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे तो हमारा शनि अपने आप स्ट्रांग होने लग जाएगा। यही रीजन है, क्योंकि वो उसका कारकत्व है। और अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये मतलब आपके जो शनि की नेगेटिविटी है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ओल्ड एज इनके देखें तो शनि सौरो, दुख के भी कारक शनि है। जो आलस होता है, अगर शनि खराब होता है तो वो लोग लेजी बहुत हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक लेजी भी होते हैं और शनि देवता लोगों को हार्ड वर्किंग भी बनाते हैं। शनि देवता अगर हम बात करें तो डीले के भी कारक हैं। शनि देवता हमारी कुंडली में अगर कहीं पे बैठे हो तो उस चीज को डीले करते हैं। शनि देवता एक्सपीरियंस, ट्रुथ, शनि देवता आपको कभी भी कोई चीज आसानी से नहीं देंगे। ये पहले आपको हर चीज का एक्सपीरियंस कराएंगे, उसके बाद ये आपको वेल्थ देंगे। एक्सपीरियंस करने के बाद ही वेल्थ देंगे, आपको जीवन की सच्चाई के साथ अवगत कराएंगे, उसके बाद ही आपको कुछ आगे मतलब प्रोग्रेस देंगे। ये आपको सीधे कुछ भी नहीं देंगे। शनि को हम टीचर भी कहते हैं, लेकिन ये टीचर एक ऐसा है। देखिए, जुपिटर और शनि में क्या अंतर है? जुपिटर को भी टीचर की कैटेगरी दी गई है और शनि को भी। जुपिटर एक ऐसे दो टीचर हैं स्कूल में सपोज, तो जुपिटर एक ऐसे टीचर है जो बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं और उनकी गलती होने पे भी उन्हें माफ करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन शनि ऐसा नहीं,
शनि है कि अगर आपने गलती की है तो आपको सजा मिलेगी। ये बहुत हार्ड वर्क कराते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आते हैं इनके। जो शनि के कारण जो लोग स्ट्रगल करते हैं आगे, शनि डायरेक्टली कभी आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन शनि के कारण जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनके काफी, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब उनको आगे चल के काफी सफलता मिलती है। तो अब जब 12th हाउस, जब हम आगे सैटर्न ने 12th हाउस, सैटर्न प्लस 12th हाउस मिल जाएगा तो क्या होगा? अभी देखिए, सैटर्न अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है और रिलेशन बना रहे हैं 6th हाउस के साथ एंड 8th हाउस एंड 12th हाउस, तो ये आपको जेल यात्रा जरूर करा देंगे। ये आपको लिटिगेशन में फंसा देंगे, ये गारंटी है। शनि के अंदर अगर शनि संबंध बनाते हैं 6ठे 8वें 12वें घर के साथ, वहीं पे अगर शनि 12वें घर के बैठे हैं, कि अगर संबंध बनाते हैं 11वें घर के साथ और 10म घर के साथ, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि 11th हाउस पैसा, पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे वापस रिटर्न ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें 6th प्लस 8 नहीं आना चाहिए, इन दोनों में से अगर एक आ जाए तो भी चल जाएगा, बट अगर ये दोनों आ गए तो फिर ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। उसके बाद अगर शनि ने 12th हाउस के सैटर्न ने रिलेशन बना दिया 3rd हाउस, 11th हाउस, ये 3rd हाउस और 9th हाउस, यहां पे बैठे शनि देवता ने अगर तीसरे घर के साथ रिलेशन बनाया है तो आपको फॉरेन ट्रेवल्स दे देंगे। ग्यारह के साथ बना दिया तो आपका बहुत आसानी से वीजा क्लियर हो जाएगा। अगर ये 3, 9, 11 प्लस ये 12 के साथ संबंध बन गया तो आपका, आपको पीआर मिल जाएगा बहुत ही डेवलप्ड कंट्री का, सॉरी सीओ कंट्री। एक्चुअली इनके साथ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या क्या होगा, मैं एक जनरली ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, क्योंकि 3, 9 ट्रेवल का हाउस है, 11 मतलब सक्सेस, 3, 9, 12 ट्रेवल का मतलब ट्रेवल टू फॉरेन लैंड्स, 11 इसमें मतलब है कि आपका वीजा पीआर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब शनि अगर हम बात करें 12th हाउस, जैसे हमने बात कर दी, 11th के साथ बात कर ली और ये सब, अगर शनि ने रिलेशन बनाया 7th हाउस के साथ, सैटर्न ने रिलेशन बनाया 7th प्लस 12, और इतना ध्यान रखिए एक्सेप्शन है यहाँ पे, 6 और 8 बीच में नहीं आने चाहिए, अगर 6ठा और 8वां घर भी बीच में आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपकी शादी में खर्चा बहुत होगा। इसके साथ अगर सिंपल 8 है और सॉरी इसके साथ 4th हाउस है तो आपको बहुत ज्यादा डाउरी मिलने के भी चांसेस है। तो ये है रिजल्ट्स जब शनि होते हैं 12वें घर में। मोक्ष के कारक होते हैं, लेकिन मोक्ष इस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि मोक्ष के कारक, वैसे केतु को कहा जाता है 12th हाउस मोक्ष का हाउस है, तो वो भी हम जज कर सकते हैं। अगर 9th और 12th, 5, 9, देखिए अगर यहाँ पे बैठा हुआ ये +5 5th हाउस +9th हाउस, लेकिन इसके साथ प्लीज ध्यान रखिए कोई भी नेगेटिव और हाउस नहीं होना चाहिए, और 11th हाउस अगर हो जाए यहाँ पे साथ में, तो ये आपको भक्ति भाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाएंगे और उस फील्ड में सक्सेस जरूर दे देंगे। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो astrosolution49@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, ये मैंने आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।